दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेली जा रही 5 T20 मैच की सीरीज़ में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले शिकस्त भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इस वाले से हम देखेंगे विक्रांत गुप्ता समेत भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। अगर आप हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट पर पहली बार आए हैं चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बगैर किसी फिक्र के हम चलेंगे वीडियो की जानिब। जाते हैं इन यंगस्टर्स को भी तो यार आप इनसे भी तो पूछो जो बैटिंग करने जाते हैं। आपने देखा वेस्ट इंडीज की बैटिंग निकल के मारा उन्होंने एक हाथ से मतलब निकल के एक हाथ से छक्का मारा है। हमारे यहाँ पे क्रुच 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 चलता रहता है वो आए बच्चों की तरह मारा निकोलस पूरन ने और किंग ने बच्चों की तरह लपेट लपेट के मारा है। ज्यूजी चहल को देखते ही लार टपकने लग गई निकल के पहली बॉल में छक्का मारा है उसे कि तू आ तो जा सही आप ना। मैं हंसूं या रोऊं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इस परफॉर्मेंस पे क्या बनता है वैसे हंसी लानत जाते हैं। इन यंगस्टर्स को भी तो यार आप इनसे भी तो पूछो जो बैटिंग करने जाते हैं। आपने देखा वेस्ट इंडीज की बैटिंग निकल के मारा उन्होंने एक हाथ से मतलब निकल के एक हाथ से छक्का मारा है। हमारे यहाँ पे क्रुच 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 चलता रहता है वो आए कप्तान भी उस 16-18 बोला खेलेगा उस सिंगल 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 टक टक टक। अरे भाई T20 है T20 में आप रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन यार ये मैं बताऊं यार ये ना दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मैं जी हम टेस्ट चाहते हैं हम अपने लिए विपरीत परिस्थितियां बनाना उस टेस्ट में जिस दिन बड़ा मैच आता है उस दिन हाथ पैर कांप जाते हैं। पहली बात उस दिन तो कोई विपरीत परिस्थितियां बिल्कुल सही बात है। और पहली बात तो अभी तो हम बोलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हाल हम बोलर्स का देख रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना कि हम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। मैं बड़े साल से सुन रहा हूं पर मुझे ये तो बता दो इतने साल से इंडिया जो अपने आप को टेस्ट करता है वर्ल्ड चैंपियन कब बना था। वर्ल्ड चैंपियन कहता है ना मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं। और भाई तुम किस चीज का टेस्ट कर रहे हो। बट दूसरा ये भी है सर वर्ल्ड चैंपियन कब थे आप एक सिमिलर आप ये मैच मतलब ऐसे थोड़े टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट क्या कर रहे हो यार आप नहीं यू आर क्लूलेस नहीं है जो बिजली गिर नहीं रही है बिजली ने घुमाया हुआ है हमारा वर्लपूल बनाया हुआ है हमारा मतलब समझ नहीं आ रही कि बिजली इधर से भी आ रही है और उधर से भी आ रही है। पर ये क्या हुआ इतना मतलब एक कुलदीप यादव को थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं वो उसके अलावा उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा है। और निकोलस पूरन विकेट पहले गिर गई थी ये हम कहते हैं कि भाई तैयारी टेस्ट करना चैलेंज देना तैयारी करना बड़ा मैच ये वो आज उन्होंने निकोलस पूरन को प्रमोट कर दिया वेस्ट इंडीज की तरफ से वो अमूमन 4 आ रहे थे जो अब तक हमने पूरे मुकाबले देखे आज उन्होंने उनको ऊपर भेज दिया और निकोलस पूरन ने बोला कि भाई यहीं पर खत्म कर दूंगा जो शायद उन्होंने पहले T20 में किया था कि पावर प्ले में उन्होंने बता दिया था कि मैच अब खत्म हो चुका है जो पिछले साल IPL में दिखा। देखो आपकी मजबूरी भी है इंडियन क्रिकेट की आपके पास लीडर्स कहां पे हैं KL राहुल चोटिल हैं ऋषभ पंत चोटिल हैं बुमराह चोटिल थे तो आपके पास लीडर थे ही नहीं कप्तान थे ही नहीं। बच्चों की तरह मारा निकोलस पूरन ने और किंग ने बच्चों की तरह लपेट लपेट के मारा है। ज्यूजी चहल को देखते ही लार टपकने लग गई निकल के पहली बॉल में छक्का मारा है उसे कि तू आ तो जा सही आप ना। कुलदीप यादव पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पिटाई हो गई सारे बंदों की पिटाई हो गई अर्शदीप बच्चों की तरह पिटाई हार्दिक पांड्या 3/32 सबसे महंगा दोनों की कुटाई हुई है हार्दिक की कुटाई तो हो ही रही है और ना उससे बॉलिंग हो रही है ना उससे बैटिंग हो रही है। यूजी 2.3/33 कुटाई हो रही है IPL का हाईएस्ट बॉलर भाई इतना स्कोर बनाया 165 बनाया मैं उधर ही इसीलिए चिल्ला रहा था पहले कि जहन्नम की लानत लेके अपने मतलब बेड़ा गर्क करवा के वापस आओगे। अब बड़े लोगों को लगेगा क्या हो गया जी हार गए आप ही तो ट्रांजिशन फेज में हैं जी आप लोग ही तो बोलते थे बायलैटरल हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ट्रांजिशनल में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए था आपसे। हारने का भी तरीका होता है तुम ले पाए तुम एक विकेट मिली है वो भी कायल मेरे सब विकेट फेंक के चला जाता है उसके बाद आउट हुआ है ली नहीं जा रही आपसे विकेट निकोलस पूरन तुम्हें पीट रहा है मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया उन्होंने समझ में आ नहीं तुम्हें कि दिन है कि रात है कि क्या है। लाइन लेन तुम्हारी बिगड़ी पड़ी है तो शकलेन मुश्ताक ने बोला था कि दिन के बाद रात होती है रात के बाद आधी रात होती है उसके बाद सवेरा हो जाता है मैं फिर अपनी शक्ल देख के सो जाता हूं बस वही कर लो भाई। वेस्ट इंडीज से ना जीत बड़ी बात नहीं है लेकिन वेस्ट इंडीज से हार उससे ज्यादा लानती बात है। जीत जाओ चलो जीत गए लेकिन वेस्ट हार गए इस वेस्ट इंडीज से जिसने स्कॉटलैंड से नहीं जीत पाए जो नीदरलैंड से नहीं जीत पाए जिम्बाब्वे से हार गए। वो तो एक ही बात अलग है लेकिन T20 के अंदर वेस्ट इंडीज ऑलवेज डेंजरस साइड ये आपको पता है 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं ये आपको पता है आप हल्के में ले रहे हो। पिछली बार यशस्वी जायसवाल किस बात का सेलिब्रेट कर रहा था मैच जीतने के बाद सीरीज जीत गए थे आप
आपस में एशिया कप करवा, आपस क्या में प्लास्टिक की बॉल से अंडरआर्म खिला ले के ले मार दे, हार्दिक मार ले भाई छक्का, बाउंड्री भी अंदर कर ले सर्कल पे, आईपीएल का प्लेयर है, ले भाई शुभमन खेल ले, ले तेरे को देते, तेरे को ट्रैक छोड़ दे, तेरे को फ्लैट ट्रैक चाहिए ना, फ्लैट ट्रैक छोड़ दे, ले तेरे को अंडरआर्म देते लॉलीपॉप, तब भी आउट हो जाओगे तुम। डिसअपॉइंटिंग यार, लिटरली डिसअपॉइंटिंग, फाइट ही नहीं था आज के मैच में। आज तुमने बैटिंग ली थी, चैलेंज टॉस जीत के अपने आप को हम चैलेंज करेंगे, बड़के मारना, हम ये कर लेंगे, हम वो उखाड़ देंगे। अबे तुमने अचीव क्या करा है भाई, कि तुम जो जब से आए हो तुम लोगों ने अचीव क्या करा है कि अपने आप को चैलेंज दे रहे हो? किस बात का चैलेंज है ये? इंडिया में भी बड़ी बड़ी बातें, हम अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं। अबे पहले कुछ जीत के तो दिखा दो, नई टीम है, ट्रांजिशन में हो, कम से कम सीरीज, और राहुल द्रविड़ के हाथ जुड़वा लो भाई, हमें माफ कर दो। उनकी अप्रोच ही नहीं समझ आ रही यार, आपको लेके आए, आपकी मिन्नत करी, आपको पता था आप नहीं चलने वाले, आपको करना ही नहीं चाहिए, टी ट्वेंटी में आपके बस की नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। टेस्ट एक विकेट लेके ये मेरे भाई पिट रहे हैं, वो भी विकेट कौन मिली, कायल मेयर्स, जो अपनी विकेट देने को वैसे ही उतार कर ले भाई, मुझे आउट करो, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खेलना, और तो चैलेंज था वापस आउट हुआ ही नहीं। हमारे बैटर दिखा दो, बॉलिंग को तो छोड़ दो, तुम रन ही नहीं देते कभी यार, रन तो दो बॉलर्स को, 165 क्या स्कोर है, 165 में भी एक छक्का हर्षदीप ने मारा हुआ है, एक चौका मुकेश ने मारा हुआ है, ये 9 बॉलों पे 9 रन, ये है भाई साहब हमारे, सेट होने को टाइम लेंगे फिर वापस हर जगह। पहले तो चलो विराट को आप बोलते थे जी विराट तो अच्छा कैप्टन नहीं, अबे बायलैटरल तो जीत जाते थे भाई तुम, ये तो वनडे भी हरा दिया तुम्हें इन्होंने, मंडे आपको एशिया कप में जाने से पहले अगर खेलता शुभमन गिल भरोसा है, अगर खेलते सूर्य कुमार यादव वनडे भरोसा है, हार्दिक तो खेलेंगे ही खेलेंगे, हार्दिक की बैटिंग पे भरोसा है, 1% संजू सैमसन जी आ जाए इनकी बैटिंग पे भरोसा है, ईशान किशन जी मिडिल ऑर्डर में आ जाए भरोसा है, बुमराह आने वाले हैं, केएल राहुल तुर्रम खां है, तुम्हारे बाहर जो कप्तान बैठे हुए रोहित शर्मा, मैं तो चाहता हूं जी मैं कम से कम इतनी आईसीसी ट्रॉफी जीत जाओ, हार्दिक पांड्या हां जी हम तो चैलेंज चाह रहे हैं, यूनिक करेंगे, बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो गया यूनिक। किस बात की बड़के मारते हो यार, थोड़ा हम्बल हो जाओ यार, थोड़ा हम्बल हो जाओ, थोड़ा जमीन पे आ जाओ, एक्सेप्ट करो कि हम एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन फेज में हैं, हां जी अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे, वेस्ट इंडीज की साइड अच्छी है, उन्होंने हमें अच्छी फाइट दी है, यूनिक हो जाएगा जी च्युइंगम चबा के, अब निकालो च्युइंगम चबा के, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है, अब घुटने टेक दो, अगर यही हार्दिक पांड्या 2021 में स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमारी एक टाइम पर तीन नहीं आप खेल पा रहे, वो लड़के ने आता ही दिखाया कि भाई उसकी सिचुएशन उसकी जरूरत है टीम के अंदर, क्यों बाहर रखा होगा फिर उसको, आप फालतू के प्लेयरों को खिलाते रहते हो आप। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स बोल रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम चहल अक्षर शुभमन संजू, भाई चहल को इसमें से बाहर रखता हूं मैं, उसको तो ड्रॉप ड्रॉप कर करके मार दिया तुमने, उसका हमने चांस नहीं दिया, उसे आ जाइए, उससे ज्यादा संजू खेल गया। जेम्स बोल रहे हैं बारिश ने टीम इंडिया का ढकना खुलने से बचा लिया, ढक्कन खुलने से मतलब हार के ढक्कन हमको भेजी होती है ना, तो बारिश के चलते अब डीआरएस के चलते हार जाओगे, कब तक ऐसे ढक लोगे, छुप लोगे, भाग लोगे, अपने आप को बचा लोगे, कब तक बताओ, कब तक कर लोगे, कब तक अपने मुंह पे पर्दे डाल लोगे, कब तक बोल लोगे जस्ट अनदर मैच, कब तक सीरियसनेस नहीं लाओगे, कब तक बोल लोगे नहीं सुशांत भाई आप तो जबरदस्ती क्रिटिसिज्म करते हैं, कब तक बोल लोगे भाई मुझे शुरू से सीरीज में दिख रहा है लोग सीरियस ही नहीं है, मजाक कर रहे हैं, मजाक में खेल रहे हैं, जैसे हारे अब ये हारे हैं जिस तरीके से, पब्लिक को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि हार्दिक पांड्या का कोई कप्तानी नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिक्स फीलिंग्स। हैं? मिक्स फीलिंग्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। अबे भाई। हैं? अबे ये डिसाइडर है, ये ऐसा लग रहा है गली का कोई मैच चल रहा है, ये नेक्स्ट न्यूजेन है, और हम अपने आप को चैंपियंस कंसिडर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हमने हार्दिक पांड्या, कब आपको चैंपियन वाली बात नजर आई उनके अंदर, बात ही नहीं, वो ही नजर नहीं आया, बस बात लगी है, बात तो दिखी है, नजर नहीं आई है, बोलने के लिए है वो सारी बातें, खेलने मतलब के लिए इतनी ऑर्डिनरी डिस्प्ले भाई, कुटाई हुई है उनकी, हार्दिक पांड्या की शुरुआत के 2 ओवर में 23 रन दिए उन्होंने, वो भाई एक कैच आ गया तो भाई हमारे एथलीट देखे मुकेश कुमार उनसे बोली, वैसे कैच होने चाहिए बट डिफिकल्ट था, बट ऐसे कैचेस हो गया, हाफ ऐसे चांसेस आपको पूरन का कन्वर्ट, मैंने आपसे कहा पूरन ने, अरे जडेजा थोड़ी ना है यार, पूरन ने 2 गेम डिसाइड करे और 2 गेम वेस्ट इंडीज तबारी जब पूरन आउट हो गया, सिंपल सी बात है, कुलदीप ने सेटअप कर लिया नहीं है, सीनियर खिलाड़ी हमारे रेस्ट ले गए भाई ओडीआई से भी, विराट और रोहित, हमारी प्रिपरेशन क्या है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, इन्होंने मजाक ही समझ लिया इंडियन क्रिकेट को यार,
पिक एंड चूज इंडियन टीम के लिए हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये चीजें हो क्या रही हैं। हार्दिक पांडे ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई लीग का गली का कोई क्लब का मैच है यार, क्लब का मैच यार। इंडियन जर्सी पहनने के लिए दुनिया तरस जाती है। भाई कह रहे मुझे चैलेंज लेना पसंद है, भाई खतरों के खिलाड़ी में जाओ ना। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस, वी लाइक टू टेक चैलेंज।